हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम आपके साथ डोसा की रेसिपी है जो शेयर करने जा रहे हैं। डोसा भी इतनी जल्दी बनेगा, 5 या 10 मिनट लगेंगे उसको बनाने के लिए। कोई दाल भिगोनी नहीं, कोई चावल नहीं भिगोना, बल्कि सूजी और दही का डोसा बनाएंगे। बिल्कुल शादियों में मिलने वाला क्रिस्पी डोसा हम घर पे तैयार करेंगे। उसके लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमने एक मिक्सिंग बाउल लेना है, उसमें हमने एक कड़छी बड़ी भर के सूजी की डाल देनी है। ऐसे मोटी सूजी ले लेनी है हमने। डोसा हमारा क्रिस्पी बने इसके लिए हमने 1 चम्मच है जो बेसन ले लेना है, और 1 ही चम्मच भर के हमने गेहूं का आटा जो हम रोटी बनाने के लिए यूज करते हैं वो ले लेंगे। बस यही हमको सामग्री चाहिए। इसको हमने मिक्सी में एक थोड़ा सा चला लेना है ताकि सूजी है, जो आटा बेसन है, सारा एक तरह से एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए। तो इस तरह से ये मिक्स हो चुका है, बैटर तैयार कर लेते हैं। एक बाउल ले लेंगे हम, उसमें ये हमने जो बैटर तैयार किया है उसको मिला लेंगे। अब जिस कड़छी से हमने सूजी ली थी उसी कड़छी से हमने ये दही ले लेना है, बिल्कुल ताज़ा घर का दही है, फ्रेश जमाया हुआ, तो ये ले लेंगे हम। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। लिक्विड बनाने के लिए इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर लेना है। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। ये 2 चुटकी या बड़ी 2 चुटकी हमने मीठा सोडा ले लेना है, और मीठा सोडा डाल के उसी जगह पे हमने थोड़ा सा पानी डाल के इसको एक्टिवेट कर लेना है और इसको मिक्स कर लेना है। थोड़े से बबल्स आएंगे लेकिन वो हम घोलेंगे तो वो सेट हो जाएंगे। इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है। इसको हमने सिर्फ जो 2 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें मीठा सोडा डाल दिया है, 2 मिनट लगेंगे इसको फर्मेंट होने में। तो ये देखिए अभी फूलना तो अभी शुरू हो चुका है ये, तो इसको 2 मिनट के लिए हमने ढक के रख देना है। तो जब तक ये बैटर फर्मेंट होता है तब तक हम आलू का मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल ले लेंगे कढ़ाई में, तेल गर्म हो चुका है, अब थोड़ा सा जीरा डाल देंगे इसमें। कटा हुआ प्याज, कड़ी पत्ता हल्का सा भून लेंगे इसको। नमक डाल देंगे, रेड चिल्ली पाउडर, हल्दी, गरम मसाला और थोड़ा सा हम ऑरिगेनो भी डाल देंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब मैश किए हुए आलू डाल देंगे, अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अभी आलू का बैटर हमारा रेडी हो चुका है, अब डोसा तैयार कर लेते हैं। अब डोसा बनाने के लिए हम नॉन स्टिक की तवा ले लेंगे, इसको गर्म करते हैं। तो तवा गर्म हो चुका है, इस पर थोड़ा सा हम पानी डाल देते हैं। अब इसको पोंछ देंगे पानी को, तवे का टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो जाएगा। अब बैटर को हमने 1 कड़छी भर के डाल देनी है और अच्छी तरह से इसको फैला लेना है। धीरे धीरे फैलाएंगे। साइज जितना आप चाहते हैं उतना आप इसको रख सकते हैं।
तो अब इस पे हमें थोड़ा सा ऑयल डाल देना है ताकि क्रिस्पी बन जाए। साइडों पे भी डाल देंगे अच्छी तरह से। तो आप देख सकते हो डोसा हमारा क्रंच होना शुरू हो चुका है। अब इसकी आंच है जो हमने हल्की कर देनी है ताकि और क्रिस्पी हो जाए। इसको भी थोड़ा और क्रिस्प होने देते हैं। हमने आलू की फिलिंग डाल देनी है। तो बिल्कुल ही क्रिस्प हो चुका है हमारा डोसा बहुत अच्छी तरह से। तो अब इसको सर्व कर देते हैं। ये देखिए बहुत ही अच्छा हमारा ये क्रिस्पी डोसा बनके रेडी हो चुका है। आप आवाज भी सुन सकते हैं, बहुत ही अच्छा डोसा बनके रेडी हो चुका है। आप इसको घर पे जरूर ट्राई कीजिए।